दिल्ली में ही बीती रात पराठे को लेकर फायरिंग की सनसनीखेज वारदात हुई। वारदात पश्चिम दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके की बताई जाती है। बताया जाता है कि एक ढाबे पर स्विफ्ट कार में सवार दो लोग आए, उन्होंने पराठे की मांग की, लेकिन पराठा तुरंत ना मिलने पर दनादन दो गोलियां डाल दी। गोली एक युवक को लगी जिसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली मारकर कार सवार फरार हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी नशे में थे।